गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एस के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर द्वारा संचालित वीडियो श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। मैं अनिल दादिच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ये जो टॉपिक है वो आपके जूलॉजी के अंदर तीसरे पेपर गैमिट्स एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फर्स्ट यूनिट में है। यदि हम बात करें कि एम्ब्रियोलॉजी के प्रकार या भ्रूण विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं, तो इसमें सबसे पहला प्रकार जो माना जाता है वो डेस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी या वर्णनात्मक भ्रूण विज्ञान का माना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान होने वाले परिवर्तनों को नोट किया जाता है तथा इनका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस विज्ञान में अरस्तु से लेकर कार्ल वॉन बेयर तक किया गया कार्य शामिल है। दूसरी शाखा है वो तुलनात्मक भ्रूण विज्ञान मानी जाती है या कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी मानी जाती है। इसके अंदर विभिन्न जातियों के भ्रूणीय विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न जातियों के जो भ्रूण होते हैं उनका भ्रूणीय विकास जब होता है तो उसमें क्या समानताएँ पाई जाती है, क्या असमानताएँ पाई जाती है, ये तुलना कर इसका विवरण इसमें प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही ये देखा जाता है कि उनके जो पूर्वज हैं उनके आपस में क्या संबंध रहे होंगे या क्या वे आपस में समान थे, यानी उद्विकासीय दृष्टि से भी इसको देखा जाता है। हीकल व मूलर के द्वारा ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी नामक मत प्रस्तुत किया गया जो इस एम्ब्रियोलॉजी की देन है। हमने ये भी पढ़ा है कि पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल्स के एम्ब्रियोज आपस में एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं और इसके बाद में वो आपस में भिन्न होते जाते हैं। तो ये इस बात को इंगित करता है कि निश्चित रूप से इनके पूर्वज आपस में समान रहे होंगे, लेकिन बाद में वो अलग अलग वातावरणों में रहने के कारण एक दूसरे से भिन्न हो गए। यानी यहाँ अपन कह सकते हैं कि उद्विकासीय इतिहास का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम फाइलोजेनी के नाम से जानते हैं। विज्ञान की अगली शाखा जो मानी जाती है वो कंपैरेटिव के बाद एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी है। एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक भ्रूण विज्ञान से तात्पर्य है कि इसमें प्रयोग करके ऑब्जर्वेशन को या प्रेक्षण को कसौटी पर कसा जाता है। शुरुआत में जो भी खोजें हुई या जो भी सिद्धांत दिए गए उन्हें समय समय पर कसौटी पर कसा गया। उनमें से कुछ सिद्धांत है वो समय के साथ सही नहीं थे तो उन्हें अस्वीकार कर दिया। कुछ सिद्धांत जो समय के साथ सही सिद्ध हुए उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उनको स्वीकार करने से पहले प्रयोग करके उनकी सत्यता को परखा गया, जो कि इस विज्ञान की देन है। इसे शरीर क्रियात्मक भ्रूण विज्ञान भी कहा जाता है या फिजियोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। हांस स्पीमान का नाम यहाँ लेना ज़्यादा सही रहेगा। उन्होंने ऑर्गेनाइजर थ्योरी प्रस्तुत की थी और उन्होंने भ्रूणीय प्रेरण के बारे में बताया था। इसके अलावा इस विज्ञान की शाखा का जो संस्थापक माना जाता है वो विल्हेम रू या विल्हेम रुक्स को माना जाता है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत मोज़ेक थ्योरी है उसका प्रतिपादन किया था। इन थ्योरीज के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इसके अलावा हैंस डिस को भी इस विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। ट्रांसप्लांटेशन, हेट्रोट्रांसप्लांटेशन, ये शब्दावली इसी शाखा की देन है, जिनके बारे में हम ऑर्गेनाइजर थ्योरी या इंडक्शन के टॉपिक में आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में अगली शाखा मानी जाती है टेरेटोलॉजी या विरूपता विज्ञान। विरूपता का मतलब होता है असामान्य रूप में पैदा होना या जन्म लेना। जैसे किसी बच्चे के अंदर जन्म से ही 5 के स्थान पर 6 उंगलियां होती है, उसका होंठ कटा हुआ होता है, इसके अलावा उसके अंदर पूंछ का पाया जाना, उसके अंदर तीसरा नेत्र पाया जाना, ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसके अंदर असामान्यता के रूप में पाई जाती है। इनको हम जिस विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं उसे टेरेटोलॉजी या विरूपता विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इस विरूपता का कारण उस शिशु के परिवर्तन के समय जो वातावरण रहता है वो वातावरण हो सकता है। इसके अलावा उसकी माँ ने गर्भधारण के समय किस औषधि का या रसायन का सेवन किया था उसके कारण उसके अंदर भ्रूणीय विकृति आ सकती है, या किसी डिफेक्टिव जीन के कारण उसके अंदर विकृति है वो आ सकती है। इन सब चीज़ों को जिस शाखा के अंतर्गत स्टडी किया जाता है उसे हम टेरेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आती है रासायनिक भ्रूण विज्ञान या केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम किसी विशिष्ट रसायन के भ्रूण पर क्या प्रभाव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे विटामिन ए भ्रूण के अंदर
क्या असर उत्पन्न करता है या इसकी अधिक मात्रा किस तरह से विरूपता उत्पन्न कर सकती है, ये इसी के अंदर देखा जा सकता है। इसके अलावा हॉर्मोन्स की गड़बड़ी का भ्रूण के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका अध्ययन तथा इन समस्याओं का समाधान इसी विज्ञान के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें रिप्रोडक्टिव एम्ब्रियोलॉजी या रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जिसे प्रजनन जैविकी के नाम से जाना जाता है, इस शाखा में हम प्रजनन में उत्पन्न समस्याएं उनको स्टडी करते हैं तथा उनके क्या हल हो सकते हैं उनको हम ढूंढने की चेष्टा करते हैं। हार्मोन की असामान्यता से भ्रूण के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसके अलावा प्राणी प्रजनन में होने वाली समस्याएं क्या क्या हो सकती है, जैसे ऑलिगोस्पर्मी। ऑलिगोस्पर्मी का मतलब है कि स्पर्म काउंटिंग का सामान्य से कम होना या औसत से कम शुक्राणुओं का यदि सीमन में उपस्थिति है तो संतान उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। इसी तरह एस्पर्मी का मतलब होता है कि स्पर्म की काउंटिंग नील होना। इन समस्याओं का समाधान टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा किया जा सकता है या भ्रूण स्थानांतरण के द्वारा किया जा सकता है या सरोगेट मदर क्या होती है, ये सब चीज़ें है वो प्रजनन जैविकी के अंतर्गत या रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। उसके बाद में यदि हम बात करें अगली शाखा की जो आजकल ज़्यादा स्टडी की जाती है वो है परिवर्धन आनुवंशिकी या डेवलपमेंटल जेनेटिक्स। डेवलपमेंटल जेनेटिक्स का नाम से हम अर्थ ये निकालते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन के ऊपर जीनों का क्या असर होता है या जेनेटिक संरचना है उसका भ्रूणीय विकास पर क्या असर पड़ता है, वो इस शाखा की प्रमुख विशेषता है। हम ये कह सकते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान किसी प्राणी के भ्रूण में शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन जीनों के नियंत्रण में होते हैं। ये परिवर्तन अनायास ही नहीं होते और समय के साथ किसी विशिष्ट अवधि तक अन्य जीन या किसी एक जीन के आपस में इंटरेक्शन के कारण ये परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो इन परिवर्तनों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम परिवर्धन आनुवंशिकी के नाम से या डेवलपमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट के रूप में पूछे जा सकते हैं और इजी टॉपिक माने जाते हैं। इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, अगले वीडियो में हम स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के बारे में या भ्रूण विज्ञान है उसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको स्टडी करें और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो के साथ ये जो नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं या उपलब्ध करवा दिए जाएंगे तो इनको आपको केवल समझना है, पढ़ना है, बाकी आगे आप अपने हिसाब से इनके नोट्स है वो तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।